नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है श्रीमान अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ी अरविंद केजरीवाल। तिहाड़ी इसलिए क्या, क्योंकि ये तिहाड़ जा चुके हैं, तिहाड़ में रह रहे हैं। फिलहाल इनको 20-21 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रचार के लिए तिहाड़ से बाहर निकाल रहा, परंतु 2 तारीख को वापस ये तिहाड़ पहुंच जाएंगे तो फिर से तिहाड़ी हो जाएंगे। फिलहाल ये प्रचार के लिए बाहर है दोस्तों। जहां बात करें हम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के, जो इनके तमाम नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, एक एक करके तिहाड़ इनके तमाम नेता और तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल जी खुद तिहाड़ में हैं। अभी कुछ दिन के लिए इनको छुट्टी मिली हुई, और एक एक करके जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त इनके मंत्री सामने निकल कर आ रहे हैं, उससे ये तो कन्फर्म हो गया कि ये पूरी पार्टी भ्रष्टाचारी है। और जिस पार्टी के अंदर इस तरह के नेता हो वहाँ महिला सुरक्षित हो, ये बड़ी हैरानी की बात है, ऐसा हो संभव ही नहीं है दोस्तों। जहाँ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता बात करते हैं महिला सुरक्षा की, महिला रक्षा की, महिला सम्मान की, वहीं आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, नेता हैं, वही अब आम आदमी पार्टी के अंदर सुरक्षित नहीं है दोस्तों। आम आदमी पार्टी के अंदर आम महिलाएं तो वैसे भी सुरक्षित नहीं है, परंतु अगर बात करें इनके मंत्रियों की, जो महिला मंत्री हैं, वो भी अब सुरक्षित नहीं है दोस्तों। आप सभी जानते हैं अभी 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल के घर स्वाति मालीवाल गई थी, जिनको अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने अभद्र व्यवहार करा और उनके साथ बकायदा मारपीट की। इसकी एक कंप्लेंट भी, शिकायत भी देने के लिए स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन भी पहुंची थी, परंतु किसी दबाव के कारण वह शिकायत नहीं दे पाई दोस्तों। ये है भारतीय जनता पार्टी के मजिंदर सिंह सिसा जी, इन्होंने आज एक वीडियो जारी करके अरविंद केजरीवाल और उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए। इन्होंने सीधा सीधे तौर पर कहा कि जो स्वाति मालीवाल के साथ जो भी घटना घटित हुई है, उनके साथ जो मारपीट हुई है, उसमें पूरी तरीके से सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की जो धर्मपत्नी है, भाभी जी हमारी, उनका हाथ है दोस्तों। मंजिंदर सिंह सिरसा जी ने वीडियो जारी करके एक पोस्ट भी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा कि स्वाति मालीवाल जी को किसी और ने नहीं बल्कि सुनीता केजरीवाल ने ही पिटवाया था। मुझे यह जानकारी आम आदमी पार्टी के एक बड़े सीनियर नेता ने दी है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ दोस्तों। आगे वो लिखते हैं कि उनकी धर्मपत्नी को बचाने की खातिर केजरीवाल जी अपने निजी सहायक विभव कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि औरतों के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल जी राजनीति के मोह में किस कदर नीचे गिर चुके हैं दोस्तों। ये कहना है हमारे जो मजिंदर सिंह सिरसा जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि जो सुनीता केजरीवाल है उन्होंने ही स्वाति मालीवाल को विभव कुमार से पिटवाया दोस्तों। सुनीता ने स्वाति मालीवाल को विभव कुमार के द्वारा किस लिए पिटवाया, ये एक जांच का विषय है और इसकी जांच होनी भी चाहिए। कौन से ऐसे राज हैं जो स्वाति मालीवाल जानती है और जिसके चलते सुनीता केजरीवाल, जो कि देखने में बड़ी सीधी साधी साधारण सी महिला लगती है, उस महिला ने किस तरीके से अपने जो अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार, उनको कहकर स्वाति मालीवाल को पिटवाया। और सुनने में तो ये भी आया है, बकायदा मजिंदर सिंह सिरसा जी ने ये भी कहा है कि जब उसने स्वाति मालीवाल ने 100 नंबर पर कॉल किया, तो उसके बाद सुनीता केजरीवाल ने विभव कुमार को कहकर दोबारा से उनको बाल पकड़वाया, खिंचवाया और उनको दोबारा से पीटा और उनको गाली गलौज करके बड़ी भद्दी गाली देकर उनको वहां से बाहर निकाल दिया गया। इस तरीके की घटना स्वाति मालीवाल के साथ हुई है दोस्तों। पहले आप मजिंदर सिंह सिसा जी की वीडियो देखिए, उन्होंने किस तरह के गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल और उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल पे लगाए, देखिए आप ये वीडियो। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर जो स्वाति मालीवाल जी के साथ मारपीट की गई, उसमें बड़ा ही सनसनीखेज जानकारी आ रही है। मुझे आम आदमी पार्टी के एक सीनियर लीडर ने बताया, जो मैं बोल रहा हूँ बड़े जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, जब स्वाति मालीवाल जी को पिटवाया जा रहा था तो सुनीता केजरीवाल जी आदेश दे रही थी कि इनको मारा जाए, पीटा जाए। और एक बार नहीं, जब स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को फोन किया और केजरीवाल जी को, मिसेस केजरीवाल को पता चलता हो, फिर से आती हैं वापस और वैभव को आके कहती हैं इसको मारते पीटते हुए घर से बाहर फेंक के आओ। और स्वाति मालीवाल जी को बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया, उनको बालों से पकड़ पकड़कर बाहर खींचकर फेंका गया। और ये सब कुछ खुद सुनीता केजरीवाल जी खड़े होकर करवा रही थी। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, यही कारण है कि वैभव के ऊपर कोई अरविंद केजरीवाल जी कार्रवाई कभी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसके अंदर कार्रवाई करने का मतलब सुनीता केजरीवाल जी के ऊपर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं हैरान हूं
स्वाति मालीवाल जी आप क्यों चुप हैं और मेरी बात को ना स्वाति मालीवाल जी इनकार कर सकते हैं इस बात से और ना ही सुनीता केजरीवाल जिस बात से इनकार कर सकते हैं। जो मैं तथ्य आपको बता रहा हूं यह सच है कि सुनीता केजरीवाल जी ने ही स्वाति मालीवाल जी को बुरी तरह से मरवाया, पिटवाया और बेइज्जत किया और इसके बावजूद क्यों चुप हैं राजनीति के मोह के लिए स्वाति मालीवाल, ये पूरी दिल्ली और पूरी देश और औरत का सम्मान करने वाले लोग पूछ रहे हैं। ये औरत का बहुत बड़ा अपमान है। तो दोस्तों देखा आपने कि मजिंदर सिंह सिरसा जी का सीधे तौर पर कहना है कि सुनीता केजरीवाल ने जो स्वाति मालीवाल है उनको पिटवाया विभव कुमार के द्वारा और अब इस मामले की जांच भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से पिछले दो दिन से स्वाति मालीवाल लापता है, गायब है, वो मीडिया के सामने नहीं आ रही है, आम आदमी पार्टी के पास नहीं आ रही है, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जिनके पीए ने ये सब घटना करी है उन्होंने पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। वो क्या ऐसा कारण है कि वो इस मामले में कोई सफाई पेश नहीं कर रहे हैं? जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिला सुरक्षा के नाम पर आए दिन आड़े हाथों लेते हैं, आज वो इस मामले पर पूरी तरीके से चुप्पी साध के बैठे हैं। आज लखनऊ के अंदर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां पर भी पत्रकारों ने उनसे स्वाति मालीवाल के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली। यहां तक कि अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया कि अभी स्वाति मालीवाल के अलावा और भी बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं बात करने के लिए, मतलब स्वाति मालीवाल एक महिला सांसद की पिटाई हो जाती है ये इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और दोस्तों सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है जो हमारे चाटू पत्रकार हैं जिनकी मैं बात करूं तो अभिषा शर्मा, रवीश कुमार, ठीक है, यहाँ तक कि हमारे बहुत बड़े यूट्यूबर ध्रुव राठी, ये तमाम लोग लापता हैं स्वाति मालीवाल के इस मुद्दे को लेके। जहाँ एक तरफ ये तमाम चाटुकार ही बोलूंगा मैं इनको, ये तमाम चाटुकार मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आए दिन जमकर कोसते हैं। कोसना भी चाहिए, मैं भी ये कहता हूँ कि कोसना चाहिए कि जहाँ प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए था वहाँ नहीं गए, तो इसके लिए पत्रकारों को जमकर उनकी आलोचना करनी भी चाहिए। परंतु जब यही सेम कहानी आम आदमी पार्टी के अंदर हो रही है तो ये तमाम पत्रकारों को सांप की सुंघिया मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा। ये लोग क्यों इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं? एक महिला सांसद के ऊपर हाथ उठाया गया, वो भी मुख्यमंत्री आवास में उनकी धर्मपत्नी के सामने। दोस्तों बड़ी हैरानी की बात है कि हमारा तमाम पत्रकार जो है, बड़े जो जितने भी पत्रकार हैं जो अपने आप को सबसे बड़ा पत्रकार कहते हैं या यूं कहो कि सच्चा देशभक्त कहते हैं अपने आप को, वो स्वाति मालीवाल के मामले में चुप क्यों हैं मुझे नहीं समझ में आया। अभिषा शर्मा जी, हमारे रवीश कुमार जी, हमारे ध्रुव राठी जी जो आए दिन प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, ये आम आदमी के मुद्दों के ऊपर ही चुप क्यों हो जाते हैं? इनको सांप क्यों सूंघ जाता है मुझे नहीं समझ में आ रहा। कांग्रेस तक इस मामले पर कुछ नहीं बोल रही है, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी से जब इस विषय में पूछा गया कि स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना घटित हुई उसके बारे में आपको क्या कहना है, तो उनका भी ये कहना था कि ये इनका अंदरूनी मामला है और ये खुद ही लोग इसको निपटा लेंगे। जहाँ प्रियंका गांधी एक तरफ बड़ी बड़ी बातें करते महिला सुरक्षा के लेकर, आज एक महिला सांसद की पिटाई की गई है उसके ऊपर पूरी तरीके से खामोशी छाई हुई है। खैर दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में, इस विषय के बारे में, स्वाति मालीवाल की पिटाई के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।